क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत चलते हैं और प्रतिदिन इसके अंतर्गत नए नए विषय लेकर के आपकी दृष्टि को खुला करते हैं। हम न तो तंत्र करते हैं, न मंत्र करते हैं, न कोई क्रिया करते हैं, कोई कांड करते हैं, आपकी दृष्टि को बदलने की बात करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं। यही हमारे साइंस ऑफ द सोल का उद्देश्य है। हम सनातन सत्य की बात करते हैं, कुदरत के कानून की बात करते हैं जो सब पे समान रूप से लागू है। कुदरत के कानून का किसी को कोई पक्षपात नहीं। 84 लाख जीवायोनी, 7 अरब की जनसंख्या पर कुदरत का कानून एक सा लागू होता है। उस कुदरत के कानून को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है कर्म बंधन का कारण राग और द्वेष। भाई और बहनों, इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई अशुद्धि नहीं। 84 लाख जीवायोनी शुद्ध है और हमारी सृष्टि शुद्ध है, हमारी नेचर शुद्ध है, हमारी प्रकृति शुद्ध है, सारा कुदरत शुद्ध है, सभी व्यक्ति जो है निर्दोष हैं। तो फिर दोष कहाँ हैं? अगर सभी निर्दोष हैं, सभी पवित्र हैं, तो ये बुरी चीजें क्यों पैदा होती है? वही आज हम बताने आए हैं कि ये कर्म क्यों बनते हैं। ये कर्म एक अशुद्धि है, ये कर्म एक रज है जो कि हमारे साथ जुड़ गई और हमको भवांतर के अंदर जो है हमको भटकाती है। तो उसके कारणों का पता लगाना चाहते हैं तभी हमारा निवारण होगा। इसका केवल और केवल एक ही कारण है, वह है राग और द्वेष। इसको अगर हम एक शब्द में कहें, ये कषाय है, ये मोह का संसार है, ये मोह का वट वृक्ष है। मोह जड़ में है और वट वृक्ष के अंदर सारी बुराइयां हैं, टहनियां हैं, पत्ते हैं। कौन से? प्राणातिपाप, मर्षावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, वैशून्य, परपरिवाद, रति अर्ति, माया मर्षा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। ये तो मुख्य रूप से 18 गिने गए हैं हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर। ये 1800 हो सकते हैं, 18000 हो सकते हैं। जैसे कि एक वट वृक्ष के अंदर टहनी पे जितनी डाल और पात पात होते हैं, उसी तरीके से बुराइयां होती है, क्योंकि इसकी जड़ में मोह है। और वही राग द्वेष है। राग द्वेष दो शब्द है, कषाय एक शब्द है, मोह एक शब्द है। इसको 4 शब्दों में व्यक्त करें तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चंडाल चौकड़ी है। ये राग द्वेष का जगत है। ये चंडाल चौकड़ी के अंदर आपस में इसका जन्म जन्मांतर से ऐसा एग्रीमेंट है कि एक घुस जाओ, हम 3 दिखेंगे नहीं, ऑटोमेटिकली 3 तुम्हारे पीछे पीछे, वो कहते हैं ना, यूनिबिल्ट हैं। आजकल हमारे फ्रिज आते हैं, टीवी आते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आते हैं, उसके अंदर जो वोल्टेज का अप डाउन करने के लिए यूनिबिल्ट सिस्टम आता है। हमारे शरीर में भी प्रकृति ने यूनिबिल्ट सिस्टम लगा के रखा है कि तुम अगर प्रकृति की अवहेलना नहीं करोगे, प्राकृतिक नियमों का पालन करोगे, इम्यून सिस्टम डाल देते हैं, प्रतिरोधात्मक शक्ति डाल देते हैं, वो व्यक्ति को बीमार नहीं पड़ने देती। तभी मनुष्य की उम्र 100 वर्ष गिनी गई है। वो उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको बचाव करती है। तो मैं बता रहा था कि ये 3 यूनिबिल्ट होते हैं इसके साथ में, इसलिए कुल हो गए। एक को निमंत्रण मत दो, 4 नहीं आएंगे। एक निमंत्रण दोगे तो 3 अदृश्य रूप से, सूक्ष्म रूप से 4 आपके सामने हाजिर होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे हाजिर होते हैं।
देखिए जो क्रोध करने वाला उसके साथ में अहंकार भी होगा, माया भी होगी और लोभ भी होगा। देखिए एक व्यक्ति क्रोध करता है तो वो क्रोध क्यों करता है? उसका कारण यह है कि जिसके ऊपर क्रोध करता है कहीं न कहीं वो या तो अहंकारी है, उसमें अहंकार का भाव है कि वो नीचे वाला जो है या तो उससे निम्न है या उससे ऊपर वाला है, इसी कारण उसको क्रोध आता है। और व्यक्ति जो है माया क्रोधी व्यक्ति माया क्यों करता है? क्योंकि वह क्रोध से जुड़ा हुआ छल कपट है, लोभ भी उससे जुड़ा हुआ, तो चारों सहपाठी हैं और ये चारों ही मिलकर के राग द्वेष बनाते हैं और केवल दुनिया के अंदर कर्म बंधन का कारण एक ही है। इसलिए हमारे सभी धर्म शास्त्रों ने जो है एक ही बात, एक सर्वमान्य सिद्धांत, भारत के नहीं पूरे विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन्होंने यही कहा है कि जो कर्म बंधन का कारण है ये राग द्वेष कॉमन है। राग द्वेष को विजय कर लिया जाता है तो कर्म का एक एक परमाणु शुद्ध हो जाता है और वह व्यक्ति परमात्मा बन जाता है। चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति इस जाति का हो उस जाति का हो, वही परमात्मा बन सकता है। हर व्यक्ति को परमात्मा बनने की योग्यता उसमें है, परंतु वो परमात्मा कब बनेगा कि राग द्वेष के एक एक परमाणु को शून्य कर देगा। देखिए हमारे कहीं पर भी घाव हो जाते हैं तो उसके ऊपर हम जो है वो बैंडिन लगाते हैं, उससे घाव भरता जाता है। अगर घाव के अंदर पस बिल्कुल नहीं होती है तो चमड़ी नई आ जाती है, और अगर उसके अंदर एक भी परमाणु पस का रह गया तो वहाँ वो दर्द करेगा और वो जाकर के फिर पस को बना देगा। एक भी परमाणु नहीं रखना है, नई चमड़ी आने जब उसको निकाल फेंकना है। इसीलिए एक भी राग द्वेष का परमाणु बाकी है तो हम मुक्ति को नहीं जा सकते हैं, ये समझने की बात है। क्योंकि उसका जनक जो है ये राग द्वेष है। ये राग द्वेष दो चश्मे हैं, ये दो जो हम चश्मे के ग्लास लगाते हैं ये दो कलर्ड ग्लास है। वो कलर्ड ग्लास क्या कहते हैं? पीले हैं पीला है दिखाई देता है, काले हैं तो काला दिखाई देता है, हरे हैं तो सामने वाला हरा दिखाई देता है। सावन के गधे को हमेशा हरा हरा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? कि उसके अंदर जो है वो हरापन है उसकी आंखों में। पीलिया वाले को हर चीज पीली पीली नजर आती है, क्योंकि उसको चश्मा पीला चढ़ गया होता। तो राग द्वेष है जो प्रियता अप्रियता के दो चश्मे हैं, लाइक और डिसलाइक। मैं इसको लाइक नहीं करता और मैं इसको जो है मतलब डिसलाइक करता हूँ, इसको लाइक करता हूँ, ये जो है वो राग द्वेष है। उसके स्थान पर अगर हम कर्म बंधन नहीं करना चाहते हैं तो राग द्वेष से हट जाइए। राग द्वेष का इम्यून सिस्टम क्या है, उसका विरोधी तत्व क्या है, प्रतिरोधात्मक शक्ति क्या है? वो समता भाव, वो तीसरा नेत्र, जो राग द्वेष के दो नेत्र हैं। तीसरा नेत्र खोलिए, शिव जी का त्रिरत्न खुल गया था, उसी तरीके से आप जो है त्रिनेत्र खुल गया था। तीसरा थर्ड आई खोलिए, वो थर्ड आई क्या है? समता की आई है। सबको समान समझो, सबको आत्मवत समझो, सबको जो है एक जीवित प्राणी रूप में जैसा मैं हूँ वैसा समझो, अपने जैसा समझो, भेदभाव मत करो, सबके साथ में इस पूरे ब्रह्मांड के सब जीवित प्राणियों के साथ में समभाव रखो, एक सा भाव रखो, राग द्वेष का ग्लास मत लगाओ, समभाव रखो और त्रिनेत्र का थर्ड आई का संभाव रखो, तो ऐसी स्थिति में कर्म बंधन नहीं होंगे। बड़ी सीधी सीधी गणित है, सीधी सीधी अर्थमेटिक है। कोई भी इस दुनिया में ऐसा तत्व नहीं है जो कि आपको रुला सकता है, सिर्फ राग द्वेष रुलाता है। अब देखिए कि ये कर्म बंधन कैसे होते हैं, मैं इस कर्म बंधन की प्रक्रिया में जाता हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो आत्म तत्व है उसके साथ में कार्मण शरीर है,
उसके अंदर राग द्वेष है, ये राग द्वेष है बाहर के राग द्वेष को इनवाइट करता है और उसके साथ में जमा होता रहता है और ये बढ़ता रहता है और इसका समय होता है, इसका समय आने पर ये राग द्वेष उदय में होकर के और डिस्चार्ज हो जाता है, झड़ता रहता है, उसको निर्जरा कहा जाता है और नया जुड़ता रहता है राग द्वेष। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये प्रक्रिया राग द्वेष पैदा कैसा होता है, देखिए मान लीजिए हम धन कमाने के लिए व्यापार करते हैं, तो व्यापार करने पर जो है हमारे क्या है, कभी अच्छा मुनाफा हो गया, हम बहुत प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, ये नॉर्मल बात हो जाता है व्यक्ति। और जब भी हमें कोई घाटा लग गया तो हम द्वेष में चले गए, हम पार्टियों को जो है वो दोष देने लग गए, कर्मचारियों को दोष लगने लग गए, जबकि बेचारे सभी काम कर रहे थे, भाग्यवश पापोदय की वजह से वो घाटा हो गया और उसके हम राग द्वेष करने लग गए। और उसकी जगह पर अगर हम चिंतन करें कि भाई पैसा आया है वो पुण्योदय से आया है, पैसा जा रहा है पापोदय से आ रहा है, तो आप न तो राग के साथ जुड़े न द्वेष के साथ जुड़े। जब दोनों से जुड़ाव नहीं होता है तो हम संभाव की स्थिति में रहते हैं। संभाव का मतलब है दोनों एक सा समझो, सर्दी है गर्मी है, अनुकूलता है प्रतिकूलता है, अच्छा है बुरा है, सबको एक सा समझो तो कर्म का बंधन नहीं होगा। और कर्म का बंधन नहीं हो करके हमारे भाव सुंदर रहेंगे, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेंगे, हम अकर्ता पद में रहेंगे, तो भीतर हमारा जो कारमन शरीर है वो विलीन होता रहेगा और हमारे कर्म खपते रहेंगे, नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। तो राग द्वेष को हमें अच्छी तरह से समझना है कि राग द्वेष कैसे होता है। मान लीजिए आपके दो पुत्र हैं, एक पुत्र आपका आज्ञाकारी है, वो आपको प्रिय लगता है, और दूसरा जो पुत्र है वो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता है। हो सकता है पूर्व जन्म के संस्कार हो कि आपको आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो उसके प्रति आप द्वेष रखते हो, लेकिन उसके ऊपर द्वेष रखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों को समान समझो। आप सेवा को भी असेवा को एक सा समझो, दोनों को एक सा समझोगे तो आपसे कोई अलग नहीं होगा और आप में राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं आएगी। आप कदम कदम पर देखते रहिए आपके अंदर राग द्वेष कहाँ जुड़ रहा है, कषाय कहाँ जुड़ रहे हैं, आपके भाव कहाँ बिगड़ रहे हैं, वही कर्म बंधन का कारण होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कर्म बंधन कर्म है क्या, आखिर कर्म क्या है। कर्म पौद्गलिक होते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कर्म के परमाणु फैले हुए हैं। कर्म के परमाणु दो तरह के होते हैं, एक तो अष्ट स्पर्शी होते हैं, एक चतुस्पर्शी होते हैं। जो अष्ट स्पर्शी कर्म के परमाणु होते हैं उससे अणु बनता है, उससे सारा जड़ पदार्थ बनता है और उससे सारा मैटर बनता है। और जो आपके जो है छोटे जो चतुस्पर्शी होते हैं वो विज्ञान की भाषा में मासलेस पार्टिकल कहे जाते हैं, वो कार्मन शरीर के रूप में कर्म शरीर के रूप में हम कॉस्मोस से लेते हैं। हमने जैसा भाव किया, राग का भाव किया तो राग के परमाणु आकर्षित होंगे, द्वेष का भाव किया तो द्वेष के परमाणु आकर्षित होंगे, राग द्वेष नहीं किया तो कोई परमाणु आकर्षित नहीं होंगे और परमाणु हमारे भीतर एकत्रित नहीं होंगे। हमारे भीतर राग द्वेष है, वही हमको भटका रहा है और वही कर्म रूप में है। कर्म कहिए, राग द्वेष कहिए, कषाय कहिए, ये सब जो है पर्यायवाची शब्द हैं, ये अलग अलग नहीं है। ये हमारा कार्मन शरीर है, लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है और वही बंधन करता है। उसके बंधन के लिए हमें संभाव रखना है। हम अगर मान लो गीता की भाषा में बात करें तो गीता में भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म की बात कही है। निष्काम कर्म का अर्थ क्या है कि आपको जीवन मिला है, आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म साथ में लेके आए हैं, आप कर्म करते रहिए लेकिन फल की इच्छा मत कीजिए।
फल की जहाँ इच्छा करते हैं हम राग द्वेष जुड़ताते हैं और फल की इच्छा नहीं करते हैं तो हम संभाव में रहते हैं। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन ने जो है वो 18 दिन तक युद्ध चला, ये जो जो कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत 18 दिन चला, कोई नहीं चाहता था कि महाभारत का युद्ध हो, सबको ध्यान था विनाशकारी होगा, नियति का योग था, दुर्योधन की जिद थी, दुर्योधन की जिद की और नियति के कारण विष्णु पितामह द्रोणाचार्य ने प्रयास किया, युद्ध को नहीं रोक सके। कृष्ण भगवान दूत बन करके गए पांडवों की तरफ से, शांति दूत, और उसको जो है दुर्योधन को कहा कि 5 भाई है तुम्हारे पास में, इतना पूरा साम्राज्य है, एक एक को एक गांव दे दो, संतुष्टि हो जाएगी, उनका आसरा हो जाएगा, वो रहने के लिए स्थान हो जाएगा। लेकिन उसने कहा दुर्योधन ने कि मैं तो एक सुई की नोक जितना स्थान पांडवों को नहीं दूंगा, और कृष्ण भगवान की इंसल्ट की, उनको छलिया बोला, उनको जो गालियां दी, कृष्ण भगवान क्या कर सकते थे, वो तो भगवान थे। तो आखिर ये युद्ध हुआ, जब युद्ध के मैदान के अंदर अर्जुन खड़ा हुआ और सारथी थे निहत्ते, बिना कोई अस्त्र शस्त्र के सारथी कृष्ण भगवान थे, और वो नट गया, मना कर दिया, मेरे सामने विष्णु पितामह है, मेरे गुरु द्राचार्य ताऊ है, मामा है, चाचा है, नाना है, भाई है, मैं किनसे युद्ध करूं, मेरे लोगों से युद्ध करूं। तो उन्होंने 18 दिन तक प्रतिदिन उन्होंने जो है निष्काम कर्म का फॉर्मूला बताया, साइंस ऑफ सोल का फार्मूला बताया, तुम अविनाशी सोल हो और तुम क्षत्रिय हो, तुमने इस युद्ध को इनवाइट नहीं किया है, ये युद्ध तो नियति का योग है, जो ये युद्ध हो गया, अब तुम क्षत्रिय हो, पीठ नहीं दिखानी चाहिए, तुम्हें निष्काम करना चाहिए, तुम जो अगर कोई भी बाण चलाओगे, उन्होंने विराट स्वरूप बताया कि मेरा विराट स्वरूप यह है। तो उन्होंने उनको नमन किया, भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप को, इतने बड़े स्वार्थी ज्ञानी मेरे साथ में है, और उसने जो है कहा कि ये युद्ध कर रहा है, भगवान कृष्ण ने कहा कि युद्ध कर रहा है वो अर्जुन कर रहा है, तुम अर्जुन नहीं हो, तुम तो शुद्ध आत्मा हो, तुम तो एक आत्म तत्व हो, अविनाशी तत्व हो, ये जो युद्ध जुड़ा हुआ है ये इसका कर्म है अर्जुन का, वो करना पड़ेगा, तुम इसके अच्छे बुरे के लिए बिल्कुल दोषी नहीं हो, तुम तो भेद विज्ञान रख करके और आत्मा की साक्षी से अलग रह करके अर्जुन रूपी शरीर को युद्ध करने दो। 18 दिन में 18 अध्याय बताए गए, 18 शिक्षाएं दी, 6 शिक्षाएं थी, वो बना जो है कर्म योग। दूसरे 6 जो शिक्षा, 6 दिन की 6 शिक्षाएं, बड़ी बड़ी शिक्षाएं जो दी गई है वो उसके बाद में बना भक्ति योग, और तीसरा 6 शिक्षाएं ज्ञान योग। 18 दिन के जो कर्म भक्ति और ज्ञान योग, उसका निष्कर्ष ध्यान योग के रूप में आता है। कृष्ण भगवान ने अपना भगवान का रोल अदा किया, और वो अर्जुन इतना बड़ा युद्ध करके जीत करके फिर भी वो मोक्ष गया, क्योंकि राग द्वेष रहित होकर के उसने युद्ध किया निष्काम रूप से, बिना फल की इच्छा किए हुए। तो हमें भी इस जीवन के अंदर विधेय बनना चाहिए। राजा जनक विधेय थे, राजा जनक जो है विधेय का अर्थ हुआ राग द्वेष से मुक्त थे, वो जो भी कार्य कलाप करते वो कहते कार्य शरीर कर रहा है, ये जनक कर रहा है, मैं जनक नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं अकर्ता हूं, मैं करने वाला नहीं हूं, करने वाली व्यवस्थित शक्ति करवा रही है, ये जो है सृष्टि करवा रही है, ये कुदरत करवा रही है, कुदरत के कानून के तहत संजोग इकट्ठे हो रहे हैं, काम हो रहा है, मैं तो इससे भिन्न हूं। विधेय रहे, राग द्वेष रहित होने पर जो हम जो है अगर मान लो जो है इसकी द्वैत अद्वैत की बात करें तो द्वैत अद्वैत के अंदर वो भिन्न रहे और वो जीवन मुक्त रहे, और उनका जब जीव शांत हुआ तो जीव मुक्त होकर के राजा जनक मोक्षगामी हुए। ये सारा जो है वेदांत है। तो इसीलिए हम ये बात कह रहे थे कि राग द्वेष कर्म बंधन का कारण ये है, और ये नहीं है तो ये बनता नहीं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि एक चिकनी मिट्टी का गोला है,
उस गोले को आप दीवार पे फेंकिए, चिकनी मिट्टी तालाब की है जो जिससे कि घड़ा बनाया जाता है, तुरंत दीवार के चिपक जाएगी। और एक बालू का गोला फेंकिए जो है आप दीवार पर, वो बालू का गोला नीचे पड़ जाएगा क्योंकि उसमें बॉन्डिंग कैपेसिटी नहीं है। जो चिकनी मिट्टी में बॉन्डिंग में चिपक गया, बालू में बॉन्डिंग नहीं है, चिपकाने गिर गया। उसीलिए सारे जीवन के कर्म करिए लेकिन राग द्वेष मुक्त होके करिए। राग द्वेष मुक्त का मतलब ये ज्ञाता दृष्टा भाव से करिए। ये मानिए कि ये काम करने वाला शरीर है, ये करने वाला है, ये भोगने वाला है, मैं ये नहीं हूं। तो ऐसा चिंतन करेंगे तो राग द्वेष पैदा नहीं होगा। सारे काम दुनिया के कर रहे हैं, उसके कर्म का बंधन नहीं होगा। कैसा विचित्र सिद्धांत है, सब कुछ करने के बाद भी कर्म बंधन नहीं होता है। और एक राग द्वेष का भाव रखते हैं, ज्ञाता दृष्टा नहीं, कर्ता भाव है, कुछ भी नहीं करते हैं, कर्म बंधन उनका जारी रहता है, हर वक्त कर्म बंधन रहता है। इसलिए हमारा साइंस ऑफ द सोल कहता है आप अकर्ता रहिए, आप ज्ञाता दृष्टा रहिए, आप अलग रहिए, आप भेद विज्ञान कीजिए तो आपके कर्मों का बंधन नहीं होगा। अब भाइयों, हम आपको बताना चाहते हैं कि राग द्वेष न रखने से, राग द्वेष रखने से कर्मों का बंधन तो होता ही है, लेकिन कर्म बंधन के इफेक्ट क्या आएंगे हमारे जीवन में। अगर हम राग द्वेष रखते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा, राग द्वेष नहीं रखते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा, इसका हम जजमेंट करते हैं। देखिए, हम ज़्यादा समय परिवार के साथ जुटाते हैं, परिवार में पुत्र होता है, पत्नी होता है, बेटा होता है, पोता होता है, एक से तो हम बहुत प्रेम करते हैं, वो हमारा राग हो गया। एक से हम घृणा करते हैं, तो जिससे हम घृणा करते हैं वो हमारे प्रति अब आदर का भाव रखेगा, और जिसके प्रति राग करते हैं वो आदर का भाव रखेगा। चाहे बेटे के प्रति करो, चाहे बहू के प्रति करो, तो उससे क्या होगा, वैमनस्य फैलेगा। और आप जो है वो समता की जो है वो साधना से काम करो। आप तो देखो कि ये परिवार जो मुझे मिला है, ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको साइंस ऑफ द सोल में जीवन के सूत्र मिल रहे हैं, इन सूत्रों को आप पालन करोगे, हृदयंगम करोगे, बड़े सीधे सादे तपे तपाए अनुभव के सूत्र है। ना कोई किताबी ज्ञान है, ना कोई किताब का रेफरेंस है, भीतर से क्या आ रहा है, हमारे केंद्र में जो प्रभु बैठा है। साइंस ऑफ द सोल का सेंटर है प्रभु, है सोल है, वो क्या बता रहा है, वो इस वाणी से बाहर आ रहा है, आप तक पहुंच रहा है। और सब हम एक से हैं, इसीलिए जो मुझे भा रहा है निश्चित रूप से आपको भाएगा। आप देखते रहिए, आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, कल्याणमय हो, और आप अपने जीवन का गंतव्य सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, आपके प्रति मंगल। आत्मविज्ञान में, आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।